नमस्कार सत्यात्रा न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तालाब में डूबने से युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। मौत की खबर लगते ही गांव में दौड़ी शोक की लहर। सैकड़ों की भीड़ तालाब पर हुई एकत्रित। बचाव कार्य में जुटे ग्रामीण नहीं बचा सके जान। कछुआ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। कछुआ मिर्जापुर स्थानीय थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ के पास शनिवार को 10 फीट गहरे तालाब में डूबने से 32 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जयप्रकाश और रुकुड्डू राय नित्य के भाई शनिवार सुबह 10 बजे तालाब में जाल लगाकर मछली मारने का कार्य कर रहा था। अचानक पैर फिसलने से वह गहरे तालाब में जा गिरा। साथ में मछली मार रहे साथियों ने गिरने के बाद शोर मचाया तो ग्रामीण एकत्रित हुए और तालाब में कुछ जयप्रकाश को खोजने लगे, लेकिन जाल में फंस जाने के कारण जयप्रकाश तालाब के बीचों बीच गहराई में चला गया था। घंटों तलाश के बाद ग्रामीणों के हाथ लगा, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। आनंद फानों में परिजनों ने उसे निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना लगते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ज्ञात हो कि जयप्रकाश उर्फ गिड्डू राय काफी वर्षों से सरकारी तालाब में मछली पालन का कार्य करता था। मृतक के पास एक 10 वर्षीय पुत्र साहिल राय व दो पुत्री क्रमशः सानिया 5 वर्ष, रिया 3 वर्ष हैं। पत्नी सहित परिवार के लोग रो रो कर हुए बेहोश। घटना की सूचना लगते ही कछुआ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम को भेज दिया है। सत्यात्रा न्यूज उत्तर प्रदेश प्रभारी जैकी पंडा की रिपोर्ट। धन्यवाद।